हाय फ्रेंड, दिस इज दिनेश फ्रॉम कानपुर। टुडे डिस्कस अबाउट द ह्यूमन हार्ट। सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स। मैंने क्या बोला, ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर्स। एक बात हमेशा याद रखना कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो ये वीडियो उनके लिए है जो हार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ। मैं तो कुछ लिखूँगा कुछ नहीं, ना तो लिखूँगा ना तो राइटिंग करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ना डायग्राम यूज करूँगा। ओनली रिविजन करवा रहा हूँ। सो ओनली लेक्चर। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो होता है तो डिवाइडेड होता है फोर चैम्बर। मैं थोड़ा थोड़ा क्लियर करवाता हूँ आपको। दिस इज द ह्यूमन हार्ट डिवाइडेड इनटू फोर चैम्बर। में अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग में थ्री चैम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट में फोर चैम्बर, 1 2 3 4। ठीक है, दिस इज द राइट आर्टिकल, दिस इज द लेफ्ट आर्टिकल, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो दिस इज द वॉल, दिस इज द होल। अगर हम इसकी बात करें तो फोरा मैग्नम, दिस इज द फोरा मैग्नम। ये क्या है अपन के पास, फोरा मैग्नम है। दिस इज द थ्री गेट, थ्री डोर, ट्राइकस्पिड वॉल हो गया। क्या क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल, दिस इज द बाइकस्पिड वॉल, दिस इज द इंटर आर्ट्रियल सेप्टा हो गया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। सॉरी, हम इसकी बात करेंगे, दिस इज द लाइन या दिस इज द वॉल। अगर इस वॉल की हम बात करें तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टा कहेंगे। क्या है अपने पास, इंटर आर्ट्रियल सेप्टा। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज द वॉल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। ये क्या है, दिस इज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। अगर हम इस वॉल की बात करें पूरी, अगर इस वॉल की बात करें, दिस इज द इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। दिस इज इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, दिस इज द सुपीरियर वेना कावा, दिस इज द इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा टू टाइप, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। दिस इज द हार्ट। तो हार्ट भी क्या होता है कि ब्लड को पंप करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करता है कि ब्लड को प्यूरीफाई करता और पास करता है। तो दिस इज द चैम्बर ऑफ राइट आर्टिकल। इसी पे हमारे यहाँ नोड पाई जाती है, ऐसे नोड है ए बी नोड, एंड ए बी नोड, ये नोड पाए जाते हैं। दिस इज द पुर्किंजे फाइबर, यहाँ पे पुर्किंजे फाइबर पाए जाते हैं। हार्ट, दिस इज द हार्ट, ह्यूमन हार्ट। एक बार थोड़ी सी क्लियर कर लेते हैं। अपन के पास क्या है, राइट आर्टिकल लेफ्ट आर्टिकल। मैं क्या बोला, राइट आर्टिकल लेफ्ट आर्टिकल। अब मैं बात कर रहा हूँ राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम बात कर रहे हैं राइट आर्टिकल लेफ्ट आर्टिकल के बीच वाले जो वाल होते हैं, बिटवीन लेफ्ट आर्टिकल एंड राइट आर्टिकल, तो उसको क्या कहेंगे, इंटर आर्ट्रियल सेप्टा कहेंगे। एंड नीचे वाले, अगर हम नीचे की बात करें तो राइट वेंट्रिकल राइट आर्टिकल की बात करें, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात करें तो उसमें क्या आ गया, इंटर वेंट्रियल सेप्टा। ठीक है, एंड अगर हम बात करें जो मिडिल वाल की, दोनों के बीच की वाल की, यानी कि आर्टिकल के एंड वेंस की, वेंट्रिकुलर की, अगर दोनों के बीच की अगर वाल की बात करें तो उसमें क्या आता है, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। इसका नाम क्या, इंटर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा कहेंगे इसको। तो लेफ्ट राइट आर्टिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में थ्री गेट फाइंड रहते हैं। थ्री गेट को क्या कहेंगे, ट्राइकास्पिड वॉल, दिस इज द ट्राइकास्पिड वॉल। एंड अपने पास क्या है, लेफ्ट आर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल पाई जाती है उस पर टू डोर होते हैं, तो टू डोर को क्या कहेंगे, बाइकास्पिड वाल, तो दिस इज द बाइकास्पिड वाल। ऊपर की हम बात करें अगर, तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, वेना कावा टू टाइप, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। हमारा जो हार्ट होता है तो हार्ट का साइज क्या है, तो साइज जिसकी जितनी बड़ी होती है उसके साइज का उसके हार्ट का साइज भी उतनी बड़ा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो हैंड है, अगर हम इसको क्लोज कर लेते हैं तो दिस इज द माई हैंड। हमारा जो ये सरफेस एरिया है, तो जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उसके हार्ट का साइज जो होता है तो उतना ही बड़ा होता है। तो मेरे हार्ट का साइज इतना बड़ा होगा, तो ये मतलब कॉमन जो होता है, ये
ये जो मैं जो आपको फार्मूला बता दिया है तो ये कॉमन है, मतलब कि आदमी फील करके बता सकता है कि भाई मेरे हार्ट का साइज़ ये है, मेरे हार्ट का साइज़ ये है, ठीक है। तो कॉमन फार्मूला है, कॉमन चीज़ें हैं। तो दिस इज़ द हार्ट, सो ओके, दिस इज़ दिनेश फ्रॉम कानपुर। डिटेल के लिए मेरा वीडियो देखते रहना, अगर इस चीज़ को डिटेल से पढ़ना है हार्ट को, तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत विस्तार से एक एक चीज़ मैंने क्लियर की वहाँ पे। तो सो दिस इज़ दिनेश फ्रॉम कानपुर, ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।